में एक तरफ जहां लॉकडाउन के बीच छूट को लेकर माथापच्ची चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 40,000 के करीब पहुंच गई है, जिनमें से 1300 से ज्यादा संक्रमित अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं देश में सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां संक्रमितों की संख्या 12,000 के पार पहुंच गई है, जबकि 500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि राज्य के सवाई मानसिंह अस्पताल में सोमवार को प्लाज्मा थेरेपी हो सकेगी। इसके लिए आईसीएमआर ने अनुमति दे दी है। वे मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य में 10,000 कोरोना मरीजों की जांचें प्रतिदिन हो रही हैं, जिसे 8,800 मशीनों के द्वारा 11 दिन बाद 25,000 जांचें प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही गहलोत ने कहा, राज्य सरकार कोरोना से के संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि अभी कोई भी नहीं जानता कि आखिरी ये कोरोना खत्म कब होगा, लेकिन हम जनता के सहयोग से इस जंग को जरूर जीतेंगे। साथ ही उन्होंने नेताओं के आरोप प्रत्यारोप लगाने पर भी कहा कि ये वक्त कोरोना से बचाव का है, इसके लिए सबको मिलकर लड़ना है। इसके बाद फिर से घोड़े और ये मैदान यहीं रहेंगे। इसके साथ ही गहलोत ने केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज शीघ्र देने की मांग फिर दोहराई है। उन्होंने गड़बड़ाई अर्थव्यवस्था पर भी चिंता जताई है। आजीविका के लिए अगर अर्थव्यवस्था शुरू नहीं होती है तो आने वाले वक्त में आप सोच सकते हो कि क्या स्थिति बनेगी रोजगार के लिए। चाहे मजदूर हो, गरीब आदमी हो, कोई व्यक्ति हो, आम आदमी, मध्यम वर्ग हो, चाहे वो प्रत्येक नागरिक के लिए सब संकट रहेगा, इसलिए वो भी जरूरी है। और भारत सरकार ने जो अभी कल परसों जो गाइडलाइन निकाली है, 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है इसको, उस पर हमें सबको मतलब वापस सहयोग करना पड़ेगा। किस प्रकार से परसेप्शन बना रहे कि लॉकडाउन पूरी तरह लागू आज भी है, जिससे कि डिसिप्लिन बना रहे पब्लिक के अंदर भी, उसमें हम छूट नहीं दे सकते। इतना ही फर्क है कि जो छूट दी गई है ग्रीन जोन में या ऑरेंज जोन में, उसको देखते हुए एक्टिविटी चालू हो जाए, व्यापार शुरू हो जाए और आवागमन ठीक हो जाए। पर वहाँ भी जो कहा गया है कि आपको तभी आप अलाउ हो बाहर, घर के बाहर तब आप मास्क लगाओ कंपलसरी, सोशल डिस्टेंस रखो। राजस्थान में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में आज 60 कोरोना के नए पॉजिटिव सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक जोधपुर में 27, जयपुर में 17, उदयपुर में 5, चित्तौड़गढ़ में 3, अजमेर, भरतपुर और प्रतापगढ़ में 2-2 पॉजिटिव सामने आए हैं, तो वहीं डूंगरपुर और कोटा में 1-1 कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 2,832 हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना से 4 पॉजिटिवों की मौत हुई है। जयपुर में 4 पॉजिटिवों की मौत हुई है, तो वहीं प्रतापगढ़ में 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 71 कोरोना पॉजिटिवों की मौत हो चुकी है। लगातार प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिवों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 2,832 हो गई है। प्रदेश में अब तक 71 कोरोना पॉजिटिव अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में दोपहर 2 बजे तक आई रिपोर्ट के अनुसार
60 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से जोधपुर में 27, जयपुर में 17 पॉजिटिव सामने आए हैं।